हाँ दोस्तों, मैं सुखवीर। और अगर आपको अंग्रेजी में नाम लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं आता, आपको अंग्रेजी में बिल्कुल कुछ भी पढ़ना नहीं आता है, तो आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आप अगर चाहते हैं कि मैं भी अंग्रेजी में नाम लिखना पढ़ना सीखूं, अगर आपको व्हाट्सएप मैसेज अंग्रेजी में भेजना है, तो सबसे जरूरी होता है हमारी हिंदी वर्णमाला को अंग्रेजी में सीखना। यानी हिंदी में कसे क्या लिखते हैं, अंग्रेजी में ख को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, किसकी मात्रा किससे लगाते हैं, ये सभी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। अगर ये आपने एक बार देख लिया समझ के, तो आराम से आप अंग्रेजी में मैसेज कर सकते हैं, अंग्रेजी में नाम लिख सकते हैं और अंग्रेजी नाम को आराम से पढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो लेवल से आज की क्लास है शुरू से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अ को हम अंग्रेजी में किससे लिखते हैं? ए से। किससे लिखते हैं? ए से। आ को हम लिखेंगे डबल ए से। ए यानी छोटी ई। छोटी ई को हम लिखते हैं आई से। अब छोटी ई है या छोटी ई की मात्रा है, बड़ा आ है या बड़े आ की मात्रा है, अगर मात्रा है वहां पर भी हम ई आई से ही लिखेंगे। जैसे क है, कपे छोटी ई की मात्रा है, तो इसको हम क से लिखेंगे के, और छोटी ई की मात्रा के लिए हम क्या लगाएंगे? आई। इसको हम पढ़ेंगे के। इस तरह से बड़ी ई, बड़ी ई को हम लिखते हैं डबल ई से। किससे? डबल ई से। ऊ, छोटा ऊ, छोटे ऊ को हम लिखते हैं यू से। बड़ी ई को कहीं कहीं हम आई से भी लिखते हैं, आई से। ठीक है, बड़ा ऊ, बड़े ऊ को डबल ओ से और यू से भी लिखते हैं, यू से कहीं कहीं। और यू से कहाँ पे लिखते हैं? लास्ट अक्षर पे, अगर ऊ की मात्रा होती है तो लिखते हैं। और ई को हम लास्ट अक्षर पे, अगर बड़ी ई की मात्रा होती है, वहां पर हम आई से लिखते हैं। रेर, रेर को हम आर आई से लिखते हैं। किससे? आर आई। रेर है या रेर की मात्रा है, आर आई से ही लिखेंगे। ए, ए को हम लिखेंगे ई से। आय, आय को हम लिखेंगे ए आई। किससे लिखेंगे? ए आई। ओ को हम लिखेंगे ओ से। आओ, आओ को लिखेंगे ए यू। किससे लिखेंगे? ए यू। अंग, अंग को लिखेंगे हम ए एन। किससे लिखेंगे? ए एन। अह को हम लिखेंगे AH। ये हमारे हो गए टोटल स्वर। स्वर को अंग्रेजी में कहते हैं क्या? वोवल। इसके बाद होते हैं व्यंजन। का से लेकर ज्ञा तक क्या होते हैं? व्यंजन। इनको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? कॉन्सोनेंट। क को लिखते हैं हम के ए। देखिए, का से लेकर ज्ञा तक जितने भी व्यंजन होते हैं, उनमें हर एक में अका साउंड पहले से होता है। अका साउंड पहले से ही होता है। अगर क को हम केवल के से लिखेंगे, किससे लिखेंगे? के से, तो के का मतलब होगा आधा क। अगर के ए लगाएंगे तो इसका मतलब हुआ पूरा क। तो इस बात का ध्यान रखना हमेशा, केवल के का मतलब होता है आधा क। ख, ख को लिखेंगे हम के एच ए। ग, ग को लिखेंगे जी ए। किससे लिखेंगे? जी ए। घ, घ को लिखेंगे जी एच ए। इसको हम पढ़ते हैं ङ। क्या पढ़ते हैं? ङ। इसको हम लिखते हैं ए, सॉरी एन जी ए। किससे लिखेंगे? एन जी ए। च, च को लिखेंगे सी एच ए। छ, छ को लिखेंगे सी डबल एच ए। ज, ज को लिखेंगे जे ए। किससे लिखेंगे? जे ए। झ, झ को लिखेंगे जे एच ए। य, य को लिखेंगे हम
वाई ए एन एम ट, ट को लिखेंगे टी ए ठ, ठ को लिखेंगे टी एच ए ड, ड को लिखेंगे डी ए ढ, ढ को लिखेंगे डी एच ए ड, ड को लिखते हैं हम एन ए, किससे लिखते हैं एन ए त, त को लिखेंगे टी ए थ, थ को लिखेंगे टी एच ए द, द को लिखेंगे डी ए ध, ध को लिखेंगे डी एच ए न, न को लिखेंगे एन ए प, प को लिखेंगे पी ए फ, फ को लिखेंगे पी एच ए, एफ से भी लिखते हैं, एफ ए से भी लिखते हैं, ब, ब को लिखेंगे बी ए भ, भ को लिखेंगे हम बी एच ए, किससे लिखेंगे बी एच ए, म, म को लिखेंगे एम ए य, य को लिखेंगे वाई ए र, र को लिखेंगे आर ए ल, ल को लिखेंगे एल ए व, व को लिखेंगे वी ए श, स से लिखेंगे एस एच ए षटकोण वाला स, इससे भी हम लिखेंगे एस एच ए सड़क वाला स, इससे हम लिखेंगे एस ए, ह, ह से लिखेंगे एच ए छ, छ से लिखेंगे के एस एच ए। इस छ को जब भी हम पढ़ते हैं तो आगे आधे क का साउंड आता है, इसलिए हम के से लिखते हैं, सका भी आता है इस तरह से। त्र, त्र को हम लिखते हैं टी आर ए ग्य, ग्य को लिखते हैं जी वाई ए, ये होता है लास्ट में स्र, क्या होता है स्र, इसको हम लिखते हैं एस एच आर ए, किससे लिखते हैं एस एच आर ए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।